नमस्कार दोस्तों, एसपीएल हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं सांवलाराम प्रजापत, राजस्थान बाड़मेर से। तो चले शुरू करते हैं हेल्थ के बारे में वीडियो। देखिए ये वीडियो देखा है कि दांतों का दर्द के चुटकी में दूर करें। तो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ एक पौधे के बारे में, जो दांतों के दर्द होता है किसी भी भाई बहन को वो बहुत खतरनाक होता है। दांतों का दर्द होता है तब आप जानते ही हैं कि न तो वो व्यक्ति भोजन कर पाता है, न ही कुछ खान पीन कर सकता है, और मीठा तो बिल्कुल ही नहीं खा सकता है। तो मैं आपको एक दांतों का दर्द निवारण पौधा बता रहा हूँ, जो आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन भर दांतों का दर्द नहीं होगा, कभी दांत का दर्द नहीं करेंगे। तो मैं एक पौधा है जो मैंने खुद ने प्रयोग किया है, वो आपको पौधा वो बता रहा हूँ। उस पौधा का कैसे उपयोग करना है तो वीडियो में मैं आपको माध्यम से बता रहा हूँ कि ये पौधा कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और उसका उपयोग करके भी आपको बताऊंगा। तो चले दोस्तों देखते हैं ये पौधा कैसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप वीडियो में देख रहे हैं, ये ऐसा पौधा होता है। ये बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा होता है, छोटा भी होता है, मतलब जैसे मौसम होता है उसके आधार पर होता है। हमारे वर्तमान में राजस्थान में ये पौधा बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। तो ये बरसात के मौसम में बहुत हरा भरा रहता है, मगर ये गर्मी के दिनों में भी हरा रहता है। देख आप बताया देख सकते हैं, ये एक पौधा है, ये मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। ये दांतों के दर्द के लिए एक रामबाण औषधि है। आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, चेक करके आपको दवाई दे देते हैं और 3 दिन तक प्रयोग करने का कहते हैं, फिर दर्द ठीक होता है नहीं होता है उसका कोई गारंटी। अंत में दांत निकालना पड़ता है। आपको मालूम ही है कि ये जो मैं पौधा बता रहा हूँ ये इसकी जड़ है, इसका प्रयोग जड़ का प्रयोग होता है। जड़ का प्रयोग कैसे होता है मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये पौधा है जो कि इसको हिंदी नाम तो मेरे को पता नहीं है, मगर हमारी क्षेत्रीय भाषा में हम राजस्थान में इसको विपनी के नाम से पुकारते हैं। आप देखते हैं ये पौधे, इसके ऊपर ये जो फली लगी हुई है ये मटर आकार की होती है। आपकी जानकारी के लिए ये पौधा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पौधा कैसा होता है। आप प्रयोग करेंगे तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कैसा पौधा होता है। तो मैं ये पौधा पहले आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, अब मैं इसका आपको प्रयोग करने का तरीका भी बताऊंगा। पहले ये पौधा देख लीजिए, ये पौधा जमीन में इतना गहराई में जड़ जाती है इसकी कि 2 फुट तक इसकी गहराई होती है, बहुत गहरा लंबाई में होता है, इसलिए ये इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं इनकी बोने की आवश्यकता होती है, अपने आप प्रकृति रूप से उगता है। और इसका हिंदी नाम आप कहीं से भी पता कर लेना, हम इसको राजस्थान पश्चिमी राजस्थान की भाषा में विपनी के नाम से पुकारते हैं। और इसके ऊपर छोटे छोटे फूल आते हैं जो गुलाबी कलर के होते हैं, अभी वर्तमान में इसमें फूल मुरझा गए हैं शायद नहीं है, ये इस प्रकार के होते हैं और फिर बाद में ये फलियों में विकास हो जाता है, इस प्रकार फली होती है। तो आपको क्या करना है कि आप मालूम ही है कि दोस्तों के दांतों का दर्द पिछले हिस्से में जबड़े में यहाँ ज्यादा होता है, जिसे आप डाट बोलते हैं ना, इसमें दांतों का दर्द होता है, इसमें कोई कीटाणु लगने के कारण दांतों का दर्द होता है। तो दांतों का दर्द होता है तब इतना खतरनाक होता है कि मीठा तो आप खा भी नहीं सकते और कुछ ठंडा पानी भी नहीं पी पाते हैं और खाना भी नहीं चबा पाते, तो ये लगभग कीटाणु के कारण ये दर्द होता है। ये अगले हिस्सों में इतना दर्द नहीं होता है जितना कि इस दांतों में दर्द होता है। तो यहाँ इस मसूड़ों में कोई कीटाणु होता है, उसके कारण ये इसमें रोग लगता है और फिर वो दांत दर्द करने लगता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास में ये जड़ी बूटी ये पौधा मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो कहीं से आप इस पौधे को मंगा सकते हैं। ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ये कोई दूसरे लोग क्या करते हैं तो अनेक प्रकार के दुख के बताते तो हैं मगर खुद प्रयोग नहीं करते हैं। मैं इनका खुद प्रयोग करके आपको बताऊंगा। तो आपको इनका प्रयोग कैसे करना है, सबसे पहले इस पौधे को हम जमीन से उखाड़ कर ला लेते हैं, जितना जरूरत है, इसकी जड़ तो बहुत लंबी होती है मगर मैंने इसकी जरूरत के हिसाब से खोद के काट के लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए, आप इसका प्रयोग करने के लिए। तो ये जड़ है, इस जड़ का प्रयोग करना है।
इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो मैं सैंपल से बता रहा हूं कि ऐसा पौधा होता है। तो आपको क्या करना है कि इस जड़ का उपयोग करना है, ये जो जड़ मैं बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, तो आपको इसको जड़ का उपयोग करना है दातुन के रूप में। ये किस प्रकार करना है कि आप मानते हैं कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जब आप दांत का चेक करवाते हैं तो वो लोग पहले चेक करते हैं, चेक करने के बाद दवाई देते हैं और बोलते हैं कि आपको इसको 3 दिन तक की दवाई लीजिए, आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, अथवा नहीं होगा तो बाद में आपको दांत निकलवाना पड़ता है। लास्ट यही पोजिशन होती है कि दांत निकलवाना पड़ता है। तो दोस्तों दांत निकलवाने से पहले आप इस औषधि का प्रयोग कीजिए, आपका 100% गारंटी के साथ जीवन भर दांतों में दर्द नहीं होगा। तो मैं आपको वीडियो को देर नहीं करते हुए इसका प्रयोग करने का तरीका बता रहा हूँ। तरीका क्या है, आप दिन में इस जड़ को 2-3 बार या 3 से 4 बार तक इसका प्रयोग करेंगे तो भी चलेगा, जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लगभग कंटिन्यूज पर लगभग 5 दिन तक इसका उपयोग करना है, दिन में 3 से 4 बार तक, 4 बार इसका प्रयोग करना है। और कम से कम प्रयोग इसका आपको इस जड़ का दातुन 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक लगातार करना है, और आपको बोलना नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि आप जब बोलेंगे तो अपने मुंह में जो थूक उत्पन्न होता है उसके वो बाहर गिर जाता है बोलने से, इसलिए आपको बोलना नहीं है। अब जब बोलेंगे तो एक थूक गिर जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि इसके जड़ के अंदर जो इस पौधे की जो रस है वो अपने मसूड़ों के अंदर फैल जाता है, तब मसूड़ों के अंदर फैलने से उसका कीटाणु जो है वो समाप्त हो जाता है और दांतों का दर्द जीवन भर नहीं होता है। ये मैंने खुद ने नुस्खा अपने आप पर अपनाया हुआ है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये नुस्खा आपके लिए कामगार सिद्ध होगा। तो मैं आपका इसका प्रयोग बता देता हूँ कि आपका प्रयोग इसको किस प्रकार करना है। जैसे मान लो कि इस दाई और तरफ से जो अपना दांत दर्द कर रहा है ऊपर या नीचे का, तो ज्यादा दर्द कर रहा है तो आप इस जबड़े की तरफ इसको ऐसे 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 इस प्रकार चबाएंगे। तो इस प्रकार चबाते चबाते धीरे धीरे चबाते रहना, और मुंह में ये कड़वा नहीं है, थोड़ा कड़वा है मामूली सी, तो ऐसे चबाओगे तो इसमें जो थूक जो पैदा होगा कि उसके मुंह के अंदर रखना है और बोलना नहीं है। इस प्रकार आप मैंने बताया ये दातुन की तरह इस प्रकार चबाना है, ये इस प्रकार चबाते जाओ और बोलना नहीं है। तो 10 से 15 मिनट तक आप ये प्रक्रिया इस प्रकार करते रहिए। इस प्रकार करेंगे तो आपका ये दिन में 2-3 बार करेंगे तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से आपका काम कर देगी। तो आपको क्या करना है, 10-15 मिनट तक जो मुंह में रखेंगे, अब मान लो कि इस तरफ दर्द हो रहा है तो इस दांतों से आप इस प्रकार सुख ले ऐसे 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 इसको दातुन की तरफ कुसरिए दांतों द्वारा, और इसका रस मुंह में रखिए, और फिर इस तरफ होता है आपका मुंह ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए ताकि इस तरफ आ जाए, फिर ऐसे रखिए आप मुंह में ही थूक को, इसका रस रहेगा, वो रस इस पौधे का जड़ का जो रस है वो मसूड़ों के अंदर जाएगा, मसूड़ों के अंदर जाएगा तो वो कीटाणु धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये क्रिया दिन में कम से कम 2-3 से 4 बार करनी है और कंटिन्यू 5 दिन इसका उपयोग करना है, तो आपका दांतों का दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जीवन भर के लिए कभी दांत दर्द नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये औषधि इस प्रकार प्रयोग कीजिए और आपके दांतों का दर्द को सुमंत्र कर दीजिए जीवन भर के लिए। तो मैं बस इसी वीडियो में यही बताने जा रहा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में लगी हुई बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आगे नई आने वाली वीडियो में आपको और लाऊंगा तो आप तक उसका सूचना पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।